तो गाइस अभी हम फिल्म में नहा रहे थे तो भाई एकदम कैसे लगी है कि कौन सबसे पहले वहां पे छुएगा। तो गाइस हम ब्रेकफास्ट अपने इस टेबल पे ले आए हैं, देखिए पूड़ी सब्जी और ब्रेड मक्खन पोहा जैम्स और चाय खाना। सो हेलो गाइस, आप देख रहे हैं दीपक मित्तल व्लॉग्स। तो आज हम आए हैं ऋषिकेश से थोड़ा सा आगे शिवपुरी, जहाँ पर काफ़ी सारे कैंप लगते हैं और ये द हेवन ब्लू नाम से एक कैंप है जहाँ पर हम आज स्टे कर रहे हैं। और आपको देखो बाहर का व्यू दिखाता हूँ, एक बार आइए। बाकी इसको देखो ये कुत्ते की तरह खा रहा है। बाहर आ चुके हैं और थोड़ा थक भी गए हैं, तो ये हमारे नहा लिया जाए क्योंकि आपको दिखाता हूँ यार देखो काफ़ी अच्छा स्विमिंग पूल है। ये देखिए स्विमिंग पूल कितना अच्छा है, ये सारे नहा रहे हैं। हम भी नहाएंगे और बाकी इसके बाद ब्रेकफास्ट करेंगे। तो आइए आपको दिखाते हैं आगे के नज़ारे। कपड़े उतारने आ रहे हैं और इसमें स्विमिंग पूल में जाएंगे, बाकी देखते हैं कितना ठंडा पानी है। बता रहा है कि ठंडा का पानी काफ़ी ज़्यादा है, तो आइए और देखते हैं। हाँ भाई कैसा पानी? तो भाई पानी काफी ठंडा है क्योंकि झरने से आ रहा है, काफी ठंडा पानी है। जैसे हरिद्वार में था ना वैसे पानी ठंडा काफी ज्यादा है, पानी क्लीनिंग भी है और ये लगा लो बिल्कुल फिल्टर वाला पानी है, मुंह में गया फिल्टर वाला पानी लग रहा है, पीने वाला पी मतलब पी सकते हैं पानी को, बाकी मजे आ रहे काफी ज्यादा। चलो फिर अब। तो गाइज अभी हम स्विमिंग पूल में नहा रहे थे तो भाई अभी कैसे लगी है कि कौन सबसे पहले वहां पे छुएगा, तो जो सबसे पहले छुएगा वो जीतेगा। ठीक है भाई, ये भाई है, देखते हैं 1 2 3। ओए काम गया। आ चुके थे और 6:30 बजे का टाइम हो रहा है और स्नैक्स वगैरह तैयार थे तो हम यहीं लिए, आज भीड़ थोड़ी ज़्यादा थी। ये देखिए स्नैक्स वगैरह, देखिए चाय पकौड़े और कचरी और पापड़ से और चटनी बस। और ये भाई हमारा पाली सा है, इतनी दूर से हमें मिलना है और ये भाई भी आया। अरे हाय तो कर दे मनु, यूट्यूब पर जाएगा। सोके उठ चुके हैं, लगभग 9:30 बजे बज रहे हैं यहाँ के और अब थोड़ा लंच का भी टाइम हो गया हमारा। ब्रेकफास्ट में जो देखो पराठे मिलेंगे क्या मिलेंगे, बाकी चलते हैं। देखो हमारा भाई बैठा है, शिकारी भाई है हमारा,
और ये इनके फादर हैं। अरे करो अंकल जी, बाकी देख रहे हो यहाँ पे, देखो साफ सफाई देखो कितनी है। अभी कल रात इतना कचरा था, सुबह सुबह उनको पूरा साफ करवा दिया एक बार में ही, तो ऐसा लग रहा है जैसे हम अभी अभी आए हैं यहाँ पे। बाकी थोड़ा व्यू देखे ऊपर के, और थोड़ी देर में चलते हैं, ब्रेकफास्ट करेंगे आपको दिखाएंगे। गाइस हम ब्रेकफास्ट अपने इस टेबल पे ले आए हैं, ये देखिए पूड़ी सब्जी और ब्रेड मक्खन पोहा जैम्स और चाय। खाना तो काफ़ी अच्छा है यहाँ पे, देखो ये भी खा रहा है और ये सारा ये तो खाते रहता है, ये नहीं है कि कभी बार छोड़ भी दूँ, सारा दूसरी बार खा रहा है, अभी आधे घंटे पहले आया था सारा। तो तुम तक खाते हैं, बाकी फिर नहाते हैं, फिर चलेंगे अपना आगे की तरफ। अगर हम ब्रेकफास्ट अप करके आ गए, बाकी थोड़ा नहा लेते हैं, थोड़ा चेंज कर लेते हैं कपड़े वगैरह, फिर चलते हैं यहाँ से आगे की ओर, देखते हैं अपने कैंट में आ गए। देखिए लेकिन बस ये था कि नींद अच्छी आई थी, क्योंकि कूलर लग रहा वहाँ पे, नींद काफ़ी, बेड भी बहुत बढ़िया है, ये देखो बहुत बढ़िया बेड है, और यहाँ पे ट्रिपल बेड है तीन तीन जनों का, ये चार्जिंग बोर्ड है यहाँ पे। नींद काफ़ी अच्छी है जी, मतलब कूलर की हवा में, और क्या ये नज़ारे, रात को तो कूलर भी चला, ठंड हो गई थी, ठंड और हो गई थी रात को तो। बाकी ये इधर का वॉशरूम है, दिखाता हूँ आपको, ये देखिए ये छोटा सा वॉशरूम है, ये भी काफ़ी अच्छा ही है, साफ सुथरा है देखो। तो भाई जब हम चेकआउट कर चुके हैं, बाकी अपना जा रहे हैं गाड़ी पे, फिर उससे थोड़ा आगे देव प्रयाग निकलेंगे, आइए। तो गाइस वहाँ पे कैंपिंग करके हमको काफ़ी अच्छा लगा, वहाँ पे उन्होंने काफ़ी अच्छी तरह से मेंटेन कर रखा था, और जो वहाँ का रिजॉर्ट का नाम है मैं आपको उसमें मेंशन कर दूंगा, और उनका जो मोबाइल नंबर है वो भी डाल दूंगा, आप वहाँ पे जा सकते हैं। शिवपुरी में ही है, एक दो किलोमीटर आ गई है उससे, और पर हेड हमें 1000 रुपये पड़ा था वहाँ पे, तो मतलब काफ़ी महंगा भी नहीं है कुछ भी उसमें, ना सही पड़ गया हमें, क्योंकि उसमें लंच भी है, डिनर भी है, स्नैक्स भी है, और सुबह का नाश्ता भी है, सब चीज़ है उसमें। बाकी इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, जिस किसी भाई को अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, मिलते हैं अगली वीडियो पे, और उससे आगे हम जा रहे हैं देव प्रयाग, तो अगली वीडियो वहाँ बनाएंगे। टेक केयर, बाय बाय।